ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मुझे नहीं समझ आ रही कि इनमें कौन कौन है। अगर कोई यहाँ पे ब्यूरोक्रेट आता है एज ए नौकरी के लिए आता है, वो साल के लिए आता है, दो साल के लिए आता है, चाहे वो पांच साल के लिए आए, मगर उसने जाना है यहाँ से। ब्यूरोक्रेट या प्रशासन हमारा इसको अगर कहीं भी आगे पीछे इसको डिस्टर्ब करना चाहेगा तो उसके लिए हमें जनसलाह भी इकट्ठा करना पड़ेगा, हम करेंगे। करोड़ों रुपए की हमारे दुकानदारों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल बनाए हुए हैं, वो पैसा सारा बेचारे उन लोगों का, वो सारे लोग जीरो हो जाएंगे। बड़े मॉल से लेके खोखे, छोटे छोटे खोखे तक, हर गरीब भी वहाँ पे रोजी रोटी अपनी चलाता, और यहाँ पे कम से कम 3,000 दुकान है वहाँ, यहाँ पे, और जो दुकानदार है उनका रोजी रोटी का सारा साधन यहीं पे है। उनका एक ही मसला है, फूड को बर्बाद करना, बस चाहे वो चाहे कोई साजिश है, यही बात है, फूड का अस्तित्व को खत्म करना है बस। आज देखो डिग्री कॉलेज वहां पे है, डिग्री कॉलेज हमारी छोटी बेटियां जो है पैदल जान चल के चलती है, पैरों में उनको छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, ना कोई जाने की कोई साधना है वहां पे, ना कोई सड़क ठीक है। ये यहाँ दफ्तर है, सालों से चले आ रहे हैं, सभी को सेंटर पड़ता है, आने जाने की सुविधा अच्छी है इधर। अगर जहाँ से दफ्तर चले जाते हैं नारायणा में, जैसे हमारे पलाह वाला की मार्केट डाउन हुई है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसी तरह से जो खोड़ हो सकता है कि दफ्तर जहाँ रहने चाहिए, अगर जहाँ से जबरदस्ती गवर्नमेंट उठाती है तो इसके लिए हमने एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मेरे साथ चले हैं, जो 20 कनाल जमीन पड़ी हुई है तहसील में ही है, वहाँ उग्रवादियों का घर बना हुआ है, इनकी तहसीलों के दफ्तरों के ऊपर जरा देखिए कितने कितने दरख्त हैं। अभी आप चलेंगे जरा थोड़ा कीमती समय अगर निकाल के आए हो, यहाँ पे 3 मिनी सेक्ट्रेट बन सकते हैं, जो उठा के यहाँ से वहाँ ले रहे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। हिंदुस्तान पाकिस्तान लग हुए तब से तहसील जहाँ चल रही है, हर दफ्तर जहाँ चल रहा है, अभी क्यों उनको उठा के हमारे खौड़ को जो है बर्बाद हो रहा है, खौड़ नहीं सिर्फ, तो क्या ये सोए हुए हैं सिर्फ कुर्सियों पे बैठे हैं एसी लगा के? इनको देखना चाहिए महकमों को भी, जहाँ बीजेपी ने नहीं देखना है, कांग्रेस ने नहीं देखना है, जो महकमे हैं उनको अपना दफ्तर तो देखना। आपको लगता है अगला स्टेप यही है हमारा, अभी गाँव में नहीं, हमने मैं एक्समैनों का 2 तहसीलों का प्रेजिडेंट हूँ, मैं उनको भी मैसेज लगाऊंगा, नहीं हुआ पहले हम शांति चाहते हैं, शांति से ये काम हो जाए। इस तरीके से खबर आ रही है सोर्सेज से कि जो यहाँ पे इतना जो कॉम्प्लेक्स है, जिसके रेवेन्यू विभाग है, एजुकेशन विभाग है, ऑफिस है, जितने भी यहाँ पे दफ्तर हैं, सबको शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, और चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि आज जो फाइल है वो क्योंकि मीटिंग में कहा जा रहा है और रिकॉर्ड है कि वो किसी ऑफिस से जाके चली गई है। यहाँ के लोग जो हैं और म्यूनसिपैलिटी जो है, जितने भी विधानमंडल है, वो इसे कैसे देखता है, कितना ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ से, और शिफ्ट जो किया जा रहा है किस एरिया में किया जा रहा है, और वहाँ सुविधा पहुँचने की लोगों को कितनी है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, यहाँ की कैपेसिटी के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी इंटर दूंगा, मेरा नाम नरेंद्र सिंह खाऊ है और भारतीय जनता पार्टी में मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेम्बर हूँ, और यहाँ पे हमारी ऑल इंडिया भाव जो बिरादरी है उसका मैं प्रेजिडेंट भी हूँ, और ये हमारा जो समाज है यहाँ का, बेसिकली हम पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, खोड़ को डेवलप फुली डेवलप करने वाले हम ही हैं, और ये जो यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, और ये जो जितनी भी जगह है ये हमारे परदादा और उन्होंने यहाँ पे ये उस टाइम दान में दी हुई है, कि यहाँ पे ये ज़मीनें दान देने का यही हमारा पर्पज था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे बसेंगे, तो उसके बाद में क्या रहेगा कि हमारे लोगों को जो सुविधा होगी वो ठीक रहेगी। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो खोड़ है ये एक सेंटर है, जैसे एक इंसान में एक हार्ट होता है, जो दिल होता है वो यहाँ पे होता है, ये सराउंडिंग मतलब अगर आप देखो, चाहे हमारे फार्मर हैं तो फार्मर जितना भी यहाँ से 6 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, इस साइड से भी 6 किलोमीटर बॉर्डर है, और ये सराउंडिंग मतलब 6-6 किलोमीटर, और यहाँ से ये नारायणा है ये भी 6 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ पे ये इसको शिफ्टिंग की जा रहा है, और जो बिल्कुल कॉर्नर पे है, और कॉर्नर उसके बाद में सारा हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है, और अगर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेंटर खोड़ में है, और खोड़ एक हंसता खेलता एक पूरा जैसे एक परिवार होता है, ये उस तरह से अभी पिछले आप लगाओ 70 सालों से एक कंप्लीट वैसा बना हुआ है ये सारा, और इसको एक घोंसले को तोड़ना, ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि इनमें कौन कौन है।
अगर कोई यहाँ पे ब्यूरोक्रेट आता है एज ए नौकरी के लिए आता है, वो साल के लिए आता है, दो साल के लिए आता है, चाहे वो पाँच साल के लिए आए, मगर उसने जाना है यहाँ से। मगर वो अगर कोई इस तरह के फैसले लेना शुरू हो जाए, वो जो लोगों के हित में नहीं है, लोगों के हक में नहीं है, वो हम कदा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा समाज, हमने खुद हमारे ये जितने भी हमारे ये यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं, इन सब ने बड़े ऐसे एक ईमानदारी से इसको सभी को एक अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। अगर इसके ऊपर कोई भी ब्यूरोक्रेट या प्रशासन हमारा इसको अगर कहीं भी आगे पीछे इसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, तो उसके लिए हमें जनसलाह भी इकट्ठा करना पड़ेगा। हम करेंगे, और ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट को उठाया जाता है। अभी जैसे हाल ही में अभी आपने बताया कि मुबारक मंडी जो हमारी हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे एक हस्ता खेलता शहर था। जब वो जानीपुर में आया, तो जानीपुर आने से क्या हुआ, वो सारी की सारी मार्केट खत्म हो गई, जीरो हो गई। आज मेरे ख्याल में वहाँ पे अगर देखा जाए तो दिन में जाते भी हमारी बहू बेटियाँ जो वहाँ पर डरती होंगी वहाँ पे जाके। और मुझे यहाँ तक लगता है कि जो यहाँ पे प्लान किया जा रहा है, आने वाला टाइम वैसा ही होगा कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। जो मार्केट है, 1 करोड़ रुपए की हमारे दुकानदारों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पे, बड़े बड़े मॉल बनाए हुए हैं, वो पैसा सारा बेचारे उन लोगों का, वो सारे लोग जीरो हो जाएंगे। बड़े मॉल से लेके खोखे, छोटे छोटे खोखे तक, हर गरीब भी वहाँ पे रोजी रोटी अपनी चलाता, और यहाँ पे कम से कम 3000 दुकान है वहाँ यहाँ पे, और जो दुकानदार है उनका रोजी रोटी का सारा साधन यहीं पे है। और हमारे किसान, खासकर मैं कहता हूँ, किसानों का भी अगर देखा जाए, नारायणा में 5-6 किलोमीटर जाना पॉसिबल नहीं है, हमारी बहू बेटियों का अकेले वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से और LG प्रशासन, हमारे डिपकाम साहब, DC मैडम, इन सब से मेरी हाथ जोड़कर ये अपील है कि इसको ध्यान से थोड़ा सा इसको देखा जाए, और इस पर उचित जो भी है, जो हमारे लोगों की जो जनरल डिमांड है, जो कोई ऐसी वैसी डिमांड नहीं, और ऑलरेडी हमारे पास 20 कनाल जमीन जहाँ पे पड़ी हुई है, इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे एक हमारी गुड़ वाला जगह है, वहाँ पे भी कम से कम 30-35 कनाल जमीन पड़ी हुई है, जमीनों की जहाँ पे कमियाँ नहीं है, और हमारे लोग देने के लिए भी तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये है कि डिपार्टमेंट जहाँ से हम नहीं जाने देंगे, और ट्रेजेडी अभी बन भी गई है वहाँ पे, और अभी ये कहते हैं कि अभी नहीं जा रहे हैं। अब एक चीज बन गई है, एक एक करके अगर ये सारी डिपार्टमेंट ऐसे ही ले जाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको पर्सनल क्या इंटरेस्ट है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो सिस्टम है ये देखे कि क्या इसमें कोई एज ए लैंड माफिया लोग तो नहीं घुसे हुए हैं। अगर वो ऐसे लोग घुसे हुए हैं, तो उसमें ये भी देखा जाए कि इस जगह के पीछे अगर ऐसा कुछ हुआ है, एक जो जहाँ पे कोई रेजुलेशन, जहाँ हमारे कॉर्पोरेटर जैसे चेयरमैन साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे कॉर्पोरेटर सारे के सारे यहाँ पे 13 के 13 वार्डों के बैठे हुए हैं, इनके अगर इनको पूछे बिना अगर कोई काम किया गया है, तो क्यों किया गया है, और किसकी यहाँ पे इन्होंने परमिशन ली, और कैसे इन्होंने फैसला ले लिया कि जो लोग हित का फैसला होना चाहिए, ये बिना लोगों को पूछे हुए इन्होंने कैसे फैसला लेके ये इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। मैं ज़्यादा नहीं कहते, अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। देखो, बातें तो बहुत हुई, सब कुछ हुआ। मेरा कहने का मतलब, मैं आपको बताता हूँ, आज जो मसला कांग्रेस, BJP, NC, PDP, कोई किसी पॉलिटिक्स पार्टी का मसला नहीं है। आज आफत आई है हमारे लोगों के ऊपर, परेशानी आई है। 13 के 13 यहाँ जो कारपेंटर आके बैठे हुए थे, हमारे पवन जी हैं, जागू राम हैं, और पार्टी से ज्योति देवी थी, और चेयरमैन ड्यूटी राम भी आए, कि मसला है, मसला ऐसा गंभीर बना हुआ है, लोगों की परेशानियाँ बने हुए हैं। दिक्कत यह है कि मैं किसानों की तरफ से बोलूँगा, मैं भी किसी पार्टी से पॉलिटिक्स से वास्ता रखता हूँ, लेकिन हमने पार्टी पॉलिटिक्स जो अपने घर में किली से टांग के आए हैं, क्यों पार्टी या पॉलिटिक्स हमें क्या देती है, खाली पहचान देती है। वोट हमारे लोग देते हैं, यहाँ के नुमाइंदे देते हैं, और लोग मेहनत करते हैं, तो एक आदमी के हाथ में पावर आती है। पार्टियाँ बनती हैं, बिगड़तियाँ रहती हैं, लेकिन सन 1965 में, सन 1971 में जो यंग हुआ था, उसके बाद जो जहाँ से लोग प्लान करके चले गए थे, तो वहाँ के जब DC साहब आए, या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, या मरकरी सरकार थी, उन्होंने लोगों को दोबारा स्केलें दी, पैसे दिए, बैलों की जोड़ी बनाने के लिए दिए, भैंस के लिए पैसे दिए, पशुओं के लिए पैसे दिए। क्यों दिए? कि हमारा आगे वाला एरिया बाद हो। अब एक खौड़ 1965 से लेकर आज, इसकी तो तकदीर बदली है। आज यहाँ का जो पिछला 1965 वाला नज़ारा, वो आज वाला देख लो क्या है। आप इसको बर्बाद क्यों करने जा रहे हैं, इस खूबसूरती को? अगर किसी ब्यूरोक्रेट का हाथ है, वो चंद दिनों के लिए नौकरी करने आया है, चाहे उसने ओवरस्टे कर लिया यहाँ, हम उसका भी हिसाब किताब लेंगे। मैं किसानों की तरफ से बोल रहा हूँ, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। मैं नरेंद्र जी को भी इस बात का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, जिसने सारी बिरादरियाँ, सारे धर्म,
सारी पॉलिटिक्स पार्टियां इकट्ठी करके एक जगह बैठाई है। मैं कांग्रेस पार्टी का किसान सेल का श्रम कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, पार्टी होगी हमारी किसी मंच के ऊपर होगी, इनकी होगी होगी, लेकिन हमारे लोगों की जहाँ बात है हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये साजिश है किसी की, चाहे जो ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई जो लैंड माफिया है, उनकी साजिश है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ट्रैक्टर ट्रालियाँ और जो हमारे पशु भैंस सब हम रोड पे ला देंगे, और डीसी साहब को हम इस चीज़ का आगाह करना चाहते हैं। गांव गांव हमारा ये डीसी साहब को संदेशा है आपके माध्यम से कि ये जो बलबीर सुबदार ने बोला ये सही बात है। डीप काम बदल गए, डीसी साहब बदल गए, और उसके बाद क्या नाम है एलजी साहब बन गए, और जहां मुर्मू साहब चले गए और एनएन बोरा साहब चले गए, और क्या नाम है सत्यपाल मलिक बदल गए, और यहां का एसडीएम नहीं बदला। क्या इसके लिए कानून नहीं है? क्या आंखों में पट्टी बांधी है उन्होंने? मैं उन्हें आगे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इनके लिए कोई लग अड़ रहा था? मेरे लिए जिसने जो करना है मेरे को कर दे, मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन लोगों की बात है, हमारा दिल नहीं करता। लोगों का कहना है कि हम आपके में जाते नहीं है। एक बंदा 6 साल के चेयर पर बैठा है और वहां जाके गुंडागर्दी बजाय बनाई हुई है, वहां उनके बैठे दोस्तियां डाली हुई है। जहां नौकरी करनी है तो नौकरी करो, अरे पॉलिटिक्स करनी है तो इस्तीफा दो, यहाँ सियासत में आओ, लोगों की मदद करो। मैं कहता हूँ कि लोगों की मदद करो जैसे हम कर रहे हैं। हमने कोई बिजनेस नहीं बनाया, हमने कोई कुछ नहीं किया, हमने लोगों की सेवा की है, सेवा करेंगे, करते आएंगे, अपने लोगों के लिए जिएंगे, अपने लोगों के लिए मरेंगे। अगर ये कोई सोचे कि यहाँ से खाली जगह घेरनी है, इरीगेशन लैंड है या बीच कनाल जगह होगी, खाली जगह घेर के थोड़े रखनी है, वहाँ जाके हम बताएंगे बिल्डिंगों की क्या पोजीशन बनी है, इसको जहाँ घेर दो नरियाणा वाले नरियाणा में घेर दो, फायदा कोई है नहीं। हमारे को रेवेन्यू के साथ रोजमर्रा की जरूरतें पड़ी हुई हैं। इरीगेशन तो 6 महीने में पानी आता है, वो भी नहीं आता पानी हमारे को, किसानों को मिलता। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, रोज पर टेस्ट हो रहा है, कभी निकिया में, कभी मट्टू में, कभी कहाँ, लोग रोड बंद कर रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा। इस महकमे को वहाँ ले जाए और इसको जमीन का तबादला किया जाए। और जो मैं चेयरमैन साहब ने कहा है कंधे से कंधा मिला के खड़े ड्यूटी राम साहब, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, 13 वार्ड मेंबरों को धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है नरेंद्र जी का, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक मंच पर लाया, एक जगह लाया और लोगों की समस्या सुनी। और ऐसे आदमी तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे आदमी जो लोगों के लिए लीड कर रहे हैं, लोगों के दिल के लिए बसे हैं, हम भी चाहते हैं जो हमारे लिए जो उन्होंने हमें भी संदेशा दिया। ऐसे लोग सबके साथ मिलकर रहने वाले लोग जो अच्छे होते हैं, समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक मिसाल है। मैं नरेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ अपने लोगों की तरफ से। आज पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मसला नहीं है, पार्टी जो हमारे अहदे दिए हैं, जो प्रैक्टिस दिए हैं पार्टी ने, वो पार्टी से बात करेंगे, लेकिन आज हमारे गांव की बात है, हमारे लोगों की बात है, 40 ग्राम इकट्ठे हो रखे हैं, 40 गाँव की बात है। हम उनसे आज उनके लिए हक के लिए जिएंगे, हक के लिए मरेंगे, चाहे कुछ भी हो, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे, लेकिन जहाँ दफ्तर नहीं जाएंगे। जय हिंद जय भारत। बाजार ये आपको बाहर जहाँ कोर्ट से चले जाए तो बाजार की जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाएगी, कारोबार में बहुत फर्क पड़ेगा। जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए दुकानों पे, वो सारा खत्म हो जाएगा, बाजार का अस्तित्व ढोन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रशासन इस तरह के फैसले ले रहे हैं? अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में पहले हमने हाई कोर्ट को देखा था शिफ्ट होते हुए, जानीपुर से पाई थी, ओल्ड सिटी की मार्केट खत्म हो गई, उसके बाद जानीपुर से रायका जा रहे हैं जहाँ पे जंगल बस्ती। इसी तरह यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि जो एक बसी हुई बस्ती को छोड़कर एक ऐसी जगह पे जा रहे जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, तो ऐसा क्यों? उनका एक ही मसला है, फूड को बर्बाद करना, बस चाहे कोई साजिश है, यही बात है, फोर्ड का अस्तित्व को खत्म करना है बस। अगर ऐसा कल को हो जाता है, नोटिस आ जाता है, तो बाजार ये ऐसा करने नहीं देंगे हम, नहीं होगा। अगर करेंगे तो वो देखेंगे हम कैसे। एसडीएम साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, तहसीलदार साहब इस वीडियो को, डीसी जम्मू तक वीडियो पहुंचती है, तो क्या मैसेज उन्हें देना चाहिए? मैसेज यही चाहते हैं, अब हमें खुशहाल रखना चाहते हैं तो ऑफिस जहाँ ही रहने चाहिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आज देखो डिग्री कॉलेज वहाँ पे है, डिग्री कॉलेज हमारी छोटी बेटियाँ जो है पैदल जहाँ चल के चलती हैं, पैरों में उनको छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, ना कोई जाने की कोई साधना है वहाँ पे, ना कोई सड़क ठीक है, और हमारी बेटियाँ जब वहाँ से आती है, इतनी धूप है अभी, वहाँ से जहाँ आएंगी कितना पड़ता है उनका। तो मेरी जो गुजारिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और खोड़ का जो बाजार है इससे खोड़ बाजार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और बड़ी सख्ती, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा काम नहीं किया तो हम जिस तरफ जाने, चाहे एजुटेशन करना पड़े, चाहे जो भी हो, उसके लिए हम तैयार हैं।
हमारे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब ने बताया है कि जहाँ से दफ्तर नारायणा में नहीं जाने चाहिए, ये स्टेशन हेडक्वार्टर बनता है, सबका सेंटर है, तो हम यही तहसीलदार मैडम के आगे प्रार्थना करते हैं, एसडीएम साहब से और डीसी मैडम, ये यहाँ दफ्तर सालों से चले आ रहे हैं, सभी को सेंटर पड़ता है, आने जाने की सुविधा अच्छी है इधर, अगर जहाँ से दफ्तर चले जाते हैं नारायणा में, जैसे हमारे पलामवाला की मार्केट डाउन हुई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसी तरह से जखोड़ हो सकता है, हमारी यही गुजारिश है कि दफ्तर यहीं रहने चाहिए, चाहे चीफ साहब सुने, चाहे डीसी साहब सुने, चाहे एसडीएम साहब सुने, हमारी सबसे यही प्रार्थना है साधारण तरीके से कि दफ्तर जहाँ रहने चाहिए, अगर जहाँ से ज़बरदस्ती गवर्नमेंट उठाती है तो इसके लिए हमने एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कहते, जय हिंद जय भारत। मर्क जी, जो सरकार है नुमाइंदे तो हमारे भी इधर भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ये तो कर ही रहे हैं, ये जो महकमे जहाँ बैठे हैं पहले तो काम इनका है, अभी सरकार जो है ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, गवर्नरी राज है, जहाँ जो महकमे बैठे हैं देखना तो इनको चाहिए, जो जहाँ कहीं तो पाँच पाँच साल से बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, इनको कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, क्या चक्कर है, आप जरा अभी अपने कैमरे मेरे साथ चले, जो 20 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है तहसील में ही है, वहाँ उग्रवादियों का घर बना हुआ है, इनकी तहसीलों के दफ्तरों के ऊपर जरा देखिए कितने कितने दरख्त हैं, अभी आप चलेंगे जरा थोड़ा कीमती समय अगर निकाल के आए हो तो थोड़ा आप चलना वहाँ, वो पुरानी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट का लाखों रुपए का जो है खर्चा हुआ है, वो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, कि आप यहाँ पर 3 मिनी सेक्ट्रेट बन सकते हैं, जो उठा के यहाँ से वहाँ ले रहे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर हमारा गिगड़ियाल का, बदवाल का, हमीरपुर सिद्धड़ का जो बंदे आएंगे बेचारे बूढ़े बूढ़ियाँ, जहाँ तहसील में आते हैं, जहाँ खौर सेंटर पड़ता है, ये जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान लागू हुए तब से तहसील जहाँ चल रही है, हर दफ्तर जहाँ चल रहा है, अभी क्यों उनको उठा के हमारे खौर को जो है बर्बाद हो रहा है, खौर नहीं सिर्फ कम से कम 30 गाँव हैं हमारे जो वो चक्कर में पड़ गए हैं, अभी तो लोगों को हमने मैसेज नहीं लगाए सभी को, ऐसा ना माहौल ख़राब हो जाए, हम देने चाहते, मैं सेना की सर्विस 30 साल करके आया हूँ, एज ए सुपर मेजर रिटायर्ड हूँ, हम भी नहीं चाहते कि नुकसान हो, चेयरमैन साहब बैठे हैं, पूरी म्यूनसिपल कमेटी के नुमाइंदे बैठे हैं हमारे, सभी ने अच्छा बोला है, ये दफ्तर नहीं जाना चाहिए, सेंटर में रहने चाहिए, अभी तक आप अगर चलेंगे तो देखना कितनी कितनी भंग चढ़ी हुई है, पीछे 3-4 घर हैं मेरे पास आए थे, सांप उनके घरों में घुस रहे हैं, तो क्या ये सोए हुए हैं सिर्फ कुर्सियों पर बैठे हैं एसी लगा के, इनको देखना चाहिए महकमों को भी, जहाँ बीजेपी ने नहीं देखना है, कांग्रेस ने नहीं देखना है, जो महकमे हैं उनको अपना दफ्तर तो देखना। आपको लगता है एलजी साहब के एडवाइज़र अगर जम्मू के होते तो कुछ अलग हालात होते हैं यहाँ के, क्योंकि अभी इनके एडवाइज़र जम्मू के हैं नहीं तो पता ही नहीं, ये तो साफ दिख रहा है अभी एलजी साहब भी तो जहाँ नहीं आए हुए हैं, जहाँ के महकमे जो हैं, मैं तो कसूर इनका देता हूँ, जो महकमे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, इनको देखना चाहिए, आलू मेमोरेंडम देंगे, कोई सौंपेंगे इनको? हाँ जी देंगे हम, पहले भी एसडीएम से बातें कही जा रही हैं, बताया जा रहा है कि पिछले 5 से 6 साल से यही पर हैं, ट्रांसफर भी नहीं हुआ, कोई नए चेहरे भी यहाँ पर नहीं देखने को, ये सच्चाई है इसमें? ये सभी को पता है, लेकिन मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं पेंशन मिलती है, मुझे नौकरी करके हूँ, बाकी भी आए थे बैठे हुए, क्यों कहीं डरते होंगे उनसे, मैं तो नहीं डरता किसी से, मैं अपना काम सही करता हूँ, तरीके से करता हूँ, तभी मुझे अभी भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, सारी प्रेसिडेंट बनाया गया, 2 तहसीलों का, खनूर का भी और यहाँ का भी, एक्स मैनों का, वो ऐसे नहीं बनाया गया है, हम तो कहते हैं कि 5-5 साल से बैठे हैं, पहले हमारा एक स्टोर था जहाँ, उसका भी इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया, जब हमने पूछा एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनको भी नहीं बताया, किसी हमारे वार्ड मेंबर को नहीं बताया, उसका भी जो है रजिस्ट्री कर दिया, बोले नहीं किया, बाद में निकला इन्होंने किया, हमारे इनके कार्यकाल में हुआ, इनके नाक के नीचे जो गलत काम हुए हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे जो नुमाइंदे हैं इनको जहाँ से थोड़ा सा बर्फ में अनंतनाग की तरफ जाने चाहिए ना, जरा पता चले, जहाँ तो मजे कर रहे हैं बैठे बैठे, ये आप ये भी नहीं देखते हैं जो 20 कनाल ज़मीन में उग्रवादियों का घर बना हुआ है, नज़र मारे ना जहाँ, तो अगला स्टेप यही है हमारा, अभी गाँव में नहीं, हमने मैं एक्समैनों का 2 तहसीलों का प्रेजिडेंट हूँ, मैं उनको भी मैसेज लगाऊंगा, नहीं हुआ पहले हम शांति चाहते हैं, शांति से ये काम हो जाए, सारे महकमे हमारे साथ हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, कोई जहाँ पर वो सवाल नहीं है, सभी ये चाहते हैं जहाँ पे दफ्तर रहें तो दफ्तर बहाना जाए। हो रही है, पहले तो आपकी जो पर्सनल मीटिंग हुई उसके बारे में बताया कि ये पर्सनल मीटिंग किस वजह से और कि आज की ये जो मीटिंग है ये किस वजह से थी? हमारी आज जो हमारी मीटिंग थी हमारी म्यूनसिपैलिटी की, हम सारे वार्ड मेंबर उधर थे,
इसी डेवलपमेंट की मीटिंग थी, इसके बाद एक मैसेज गया, इधर फ़ोन गया हमें कि इधर आ जाओ, हम इधर आ गए। इधर देखा गया, हमने इन्होंने काफ़ी अच्छे माहौल से मीटिंग रखी हुई है। एक इसका जो कारण था वो ये था कि SDM का ऑफिस व बाकी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, इनका एक कम्प्लेक्स बन रहा है। हमारे जो कॉलेज है, कॉलेज के सामने फ्रंट में एक स्टेट लैंड है, वहाँ एक कम्प्लेक्स बनने जा रहा है, उसके माध्यम से इन्होंने ये मीटिंग रखी थी। तो हम ये चाहते हैं, ये बाजार वाले भी यही चाहते हैं कि ये जो ऑफिस हैं जहाँ से शिफ्ट नहीं होने चाहिए, हमारे पास इरिगेशन वालों की डिपार्टमेंट की एक जगह है, वहाँ ये पूरा कम्प्लेक्स बने और सारे दफ्तर ये यहाँ पर रहे। सर, जब यहाँ से ये ऑफिस शिफ्ट होने की बात हुई, क्या स्टेक होल्डर्स को या यहाँ पे जो किसानों या किसी को पूछा, ऑफिस शिफ्ट करने से पहले DPR बनती, किसी को पूछा गया जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है या स्टेक होल्डर से? नहीं, ये तो डिपार्टमेंट को पता होगा। नहीं, आप लोगों से पूछा गया जो चुने नुमाइंदे हमारे से पहले का ये प्रपोजल, मतलब आपसे पहले है। लेकिन जो ये प्रपोजल आपको लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं आया, अगर बात की जाए तो जो रिप्रेजेंटेटिव ये यही चाहते हैं कि जो सेंट्रल प्लेस है खौड़, यहाँ पे ही सारे ऑफिस रहने चाहिए। बी के चेयरमैन, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो शिफ्टिंग की पहले बात है, ये शिफ्टिंग कहाँ पे करने की बात कही जा रही है, पहले तो बता दें आप जनता को कि किस साइड ये शिफ्टिंग करने की बात की जा रही है। मैंने बता दिया ना आपको, जहाँ हमारा गवर्नमेंट कॉलेज बनाया खौड़ में, उसके साथ में ट्रेजरी ऑफिस बन रहा है, वहाँ पर ही जमीन प्रपोज हो रही है। चेयरमैन, आप कैसे इससे देखते हैं और क्या आने वाले समय में अगर ऐसा होता है, वाकई में ये कोई नोटिस आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, तो आप जनता के साथ किस तरीके से खड़े रहेंगे? अगर मुझे लगता ना कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा, अगर ये होता भी ऐसा तो हम पब्लिक के साथ हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक ने हमें इसी काम के लिए चुना है, यहाँ पब्लिक खड़ी होगी, हम भी वहाँ पर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अखनूर को किस तरह से देखा जाता है, अखनूर के जो रिप्रेजेंटेटिव हमेशा बोलते हैं जो पोर्टर्स हैं वो जंग के मैदानों में भी साथ देते रहे हैं, अभी तक से कोई धरना प्रदर्शन ऐसा क्यों नहीं हुआ जो एजुकेशन के कानों तक ये बात पहुँचा सके? हो सकता है लोगों के नॉलेज में ना हो ये बात, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं लोगों तक ये बात पहुँचा? जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने पहले भी SDM को मेमोरेंडम दिया है कि ये ऑफिस यहाँ से नहीं जाने चाहिए, और हमने अपना मीटिंग हॉल देकर उनको यहाँ पर अपने दफ्तर दिया है। पहले भी एक खबर देखने में आई थी, कॉपरेटिव ऑफिस जो था वहाँ यहाँ पे तोड़ा गया था, उस बारे में भी हमने देखा, फिर वो बात कहीं ना कहीं गायब होती हुई। ऐसा क्यों है कि जो पेरीफरी इलाका मान के इसके ऊपर नज़र नहीं रखी जा रही कि खोड़ जो है पेरीफरी में आता है, तभी जम्मू में कोई नज़र नहीं आ रहा? ये उनको पूछिए, आपको क्या लगता है जिनका मामला है, आपको क्या लगता है? SDM साहब तो इतने सालों से यहाँ पर, आपको क्या लगता है? SDM तो अच्छा काम कर रहे हैं, चार काम तो कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सब खौड़ वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो मसला जो मुद्दा आपने उठाया है, अगर इसको हल करना है, अगर पूरे कम्प्लेक्स को जहाँ पर रखना है, इसके लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं।